आइए अब शुरू करते हैं लखनऊ की एक खास सड़क का टूर। ये सड़क शुरू होती है निराला नगर के चौराहे से। निराला नगर का चौराहा यानी जहाँ पर निराला महाकवि निराला की मूर्ति है, जिसे आईटी कॉलेज के चौराहे के नाम से भी जाना जाता है। ये चौराहा लखनऊ का एक बहुत मशरूफ तरीन चौराहा है। इसमें एक रास्ता सीधा अलीगंज गया है, एक डालीगंज, एक फैजाबाद रोड और एक रास्ता मेन लखनऊ यानी कैसरबाग होते हुए चारबाग तक चला गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस चौराहे पे इस वक्त काफी रश है और ये महाकवि निराला की मूर्ति लगी है। महाकवि निराला के नाम से ही निराला नगर का मोहल्ला आबाद है और इसको आईटी कॉलेज का चौराहा भी जाना जाता है क्योंकि इसी चौराहे पे आईटी कॉलेज कायम है। तो इस चौराहे से सीधे हम लोग चल रहे हैं। जिस सड़क पे चल रहे हैं उसे लखनऊ यूनिवर्सिटी रोड कहा जाता है। काफी अहम सड़क है क्योंकि इस सड़क पे लखनऊ यूनिवर्सिटी कायम है और इसी पे लखनऊ का एक बहुत ही नामवर कॉलेज ऑलविन तालुकेदार कॉलेज भी है। इस सड़क पे हम लोग चल रहे हैं और अभी आप देख सकते हैं कि दाहिने हाथ को लखनऊ यूनिवर्सिटी और बाएं हाथ को ऑलविन तालुकेदार कॉलेज है उसकी बाउंड्री। ये ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है ये लखनऊ मेट्रो का ब्रिज है, रेलवे लाइन है। ये बाएं हाथ को जो एक इमारत आपको दिखाई जिसे स्टर्लिंग अपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है, यहीं पर किसी जमाने में हॉकी के बहुत मशहूर खिलाड़ी जिनके नाम से एडी सिंह बाबू स्टेडियम कायम है और ये वर्ल्ड रेनाउंड हॉकी प्लेयर हुआ करते थे, यहाँ पर किसी जमाने में उनका घर हुआ करता था। सीधे हम लोग चल रहे हैं, ये हनुमान सेतु। एक दौर था जब यहाँ पर एक तारीखी ब्रिज हुआ करता था जिसे मंकी ब्रिज के नाम से जाना जाता था और ये मंकी ब्रिज लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर से होता हुआ फैजाबाद रोड तक गया था। वो खस्ता हो गया या किसी वजह से उसको बंद कर दिया गया और उसी के पैरेलल एक दूसरा ब्रिज बना दिया गया जिसे हनुमान सेतु का नाम दिया गया। ये सड़क लखनऊ यूनिवर्सिटी रोड पर आती है। इस सड़क पे हम आगे चलते हुए सीधे परिवर्तन चौक निकलते हैं। परिवर्तन चौक जिसे लोग सुभाष चंद्र बोस के नाम से भी जानते हैं या क्लास अवध का चौराहा भी कहा जाता है। इस सामने आपको राजा सात अधिकार का मकबरा दिख रहा है और हम लोग इस सड़क पर जैसे ही मुड़े हैं दाहिनी तरफ तो दाहिनी तरफ आपको क्लास अवध होटल की इमारत दिख रही है। ये सफेद रंग वाली और इसके बिल्कुल सामने बाएं हाथ को बेगम हजरत महल पार्क। ये पार्क अब काफी अच्छी हालत में मेंटेन है और यहाँ सुबह के वक्त लखनऊ के शहरी हवाखोरी के लिए आते हैं। और ये दाहिनी तरफ जो सफेद इमारत दिख रही है ये पूरी इमारत छतर मंजिल का ही हिस्सा है और बाएं हाथ को ग्लोब पार्क है। ग्लोब पार्क जो कर्नल पी आर मोहन की यादगार है। अभी उस ग्लोब पार्क में लगे ग्लोब पार्क को तोड़कर नया ग्लोब बनाया जा रहा है। दाहिनी तरफ छतर मंदिर की इमारत है और बाईं तरफ उसके सामने छोटी छतर मंदिर हुआ करती थी तारीखी दौर में, जिसमें अब लखनऊ कमिश्नर कॉलेज। इसी ऑफिस के पीछे लाल बारादरी है और इसी के पीछे गुलिस्तान इरम और दूसरी तारीखी इमारत है। ये दाहिनी तरफ जंडैल कोठी है। जंडैल कोठी की इस खिड़की के बारे में मेरा ख्याल ये है कि इस बात की अकेली गवाह है कि 1857 की कदर में कैसरबाग में जो लूट मार कत्ल गारत हो रही अंग्रेजों ने की थी वो इसने देखी है। काश इसके जबान होती ये बता सकती लखनऊ के लोगों को कि यहाँ पर क्या क्या जुल्म सितम है। और ये बाई तरफ की इमारत टेढ़ी कोठी कहलाती है। सब तारीखी दौर की इमारतें हैं। ये पूरा मोहल्ला काफी तारीखी अहमियत का हामिल है क्योंकि ये कैसर बाग का ही हिस्सा है। गोमती के किनारे बंदा बन जाने के बाद से ये सड़क काफी बारौनक हो गई और ये सामने आप देख रहे हैं रेजिडेंसी का गेट है। इस गेट को वाटर गेट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एक स्कैंडल हुआ था जब बागियों ने इस इमारत को घेर लिया था तो एक अंग्रेज नौजवान सिपाही देसी कपड़े पहनकर और अपने चेहरे पे काला रंग लगाकर देसी इंसान बनके इस गेट से धोखा देकर निकला था और गोमती नदी तैर के तैर कर पार की थी। उस पार जाकर उसने अपने दूसरे फौजी सिपाहियों से और अपने दूसरे अफसरान से मदद मांगी थी। और ये बाई तरफ सूरजकुंड पार्क है
ये डालीगंज का मेन चौराहा आ गया। दाहिने तरफ हम मुड़ते हैं तो डालीगंज चले जाते हैं, बाएं तरफ आपको आर्टिफिशियल लिम्ब एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, ये मेडिकल कॉलेज का ही एक हिस्सा है। सीधे जब हम लोग चल रहे हैं तो दाहिने हाथ को लखनऊ का ही एक बहुत पुराना बहुत बड़ा पार्क हाथी पार्क के नाम से जाता है, जिसमें यहाँ शाम को आज भी बहुत रौनक है। तो ये सीधी सड़क अगर हम जाते हैं तो सीधा हुसैनाबाद हो जाते हैं, लेकिन अगर बाई तरफ इस रेलवे ब्रिज के नीचे से बाई तरफ मुड़ जाते हैं तो हम लोग मेडिकल कॉलेज चले जाते हैं। और दाहिने हाथ को इसी चौराहे के सामने दाहिने हाथ को बुद्ध पार्क है, जिसमें अब कुछ तामीरी काम चल रहा है। और ये सामने आपको लखनऊ की कन्वेंशन सेंटर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कॉन्फ्रेंसेस और एग्जीबिशन वगैरह मुनक्किद की जाती है। इस सड़क पे कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं जो काफी नामवर हैं, और ये पूरी सड़क मेडिकल कॉलेज रोड कहलाती है। दाहिनी तरफ पूरी इमारतें सब मेडिकल कॉलेज का ही हिस्सा है। और इसी सड़क पे बाएं हाथ को अगर आप देखेंगे, जो कि उसका बोर्ड नहीं दिखा है, लेकिन ये लारी कार्डियोलॉजी सेंटर है। लखनऊ के एक मशहूर बहुत मशहूर ताजिर मकबूल अहमद लारी ने इस कार्डियोलॉजी सेंटर को बनाया था, एस्टेब्लिश किया था, जो मेडिकल कॉलेज का ही एक हिस्सा है। यहाँ दिल के अमराज के मरीजों को इलाज के लिए दाखिल किया जाता है। ये है हमारा मेन मेडिकल कॉलेज का चौराहा। दाहिनी तरफ सीधी सड़क चली गई है चौक गोल दरवाजे की तरफ, और सीधी सड़क सुभाष मार्ग है ना। और इस चौराहे पर ही एक बहुत मशहूर मदरसा है जो मौलवी दिलदार अली उफ्रमाम ने तामीर कराया था, इसका नाम सुल्तानुल मदारिस। ये भी एक तारीखी इमारत है। दाहिनी तरफ क्वींस मैरी हॉस्पिटल है, और सीधे हम लोग सुभाष मार्ग पे चल रहे हैं। और ये दाहिनी तरफ जो आपको इमारत दिखाई दे रही है, इसके बैन पीछे उफ्रा माफ का इमाम पाड़ा है। इसी सड़क पे बाएं हाथ को अंग्रेजों के दौर की बनाई हुई पुलिस चौकी है, आगा मीर की पुलिस चौकी कहलाती है। ये आगा मीर की त्योड़ी मोहल्ला है, और आगा मीर का चौराहा भी मशहूर है। ये दाहिनी तरफ चौराहे में मुड़ जाए तो राजा बाजार के अंदर चले जाते हैं, और बाई तरफ जाए तो सिटी स्टेशन होते हुए वजीरगंज के तारीखी मोहल्ले में निकलते हैं। और ये सीधी सड़क सुभाष मार्ग कहलाती है। इसी सुभाष मार्ग पे लखनऊ की एक बहुत ही मशहूर इमारत जो हवाई जहाज वाली कोठी कहलाती है, वो भी कायम है। ये पूरी सड़क पर दोनों तरफ गल्ले के जो कारोबारी हैं, होलसेलर्स हैं, उनकी दुकानें और गोदाम है, बहुत बड़ी मंडी है। यहाँ पर मिर्चा मंडी भी है, मसालों की मंडी भी है, और ये सड़क जहाँ पर तकरीबन खत्म होती है वहां पर दाहिने तरफ रूई मंडी, और अगर सीधे चले जाए तो चौराहे तिराहे से बिल्कुल पार करते ही दाहिनी तरफ बड़ी दूर तक चली गई है जो लोहा मंडी है, जो इसी जमाने में तारीखी दौर में लखनऊ की सबसे बड़ी लोहा मंडी हुआ करती थी। ये सीधी सड़क जाकर रकाबगंज के चौराहे पर निकलती है, हम लोग बाई तरफ मुड़ रहे हैं। ये सब गल्ला मंडी की दुकानें, पल्ले की दुकानें आपको दिखाई दे जाएंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं सड़क के दोनों तरफ आपको बहुत से बोरे और कारोबारी लोगों के सामान रखे दिखाई दे रहे हैं। और इसमें से हम लोग आगे बढ़ के दाहिनी तरफ मुड़ेंगे तो रेलवे ब्रिज के नीचे से निकलकर हम लोग सिटी स्टेशन आ जाते हैं। और ये दाहिनी तरफ नवाब हामिद का घर है जो सल्तनत मंजिल के नाम से मशहूर है। बाई तरफ सिटी स्टेशन है, लखनऊ सिटी स्टेशन, और ये तमाम दुकानें बाई तरफ वाली सिटी स्टेशन की ही आराजी पर है। ये उसका बाया तरफ मेन इंट्रेस है। और ये दाहिनी तरफ जो आपको पीली इमारत छोटी सी इमारत दिख रही है, पुलिस चौकी बन गई है। यहाँ पर लखनऊ के मशहूर शायर मीर तकी मीर की यादगार, ये चौराहा मीर तकी मीर के नाम से ही मंसूब था, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पर लोगों ने कब्जा कर लिया और उसके निशान एक टूटी फूटी चबूतरे की शक्ल में रह गया है, जिसपे मीर तकी मीर का नाम लिखा है। बस ये पूरी सड़क नबीउल्लाह रोड कहलाती है।
हम लोग नबीउल्ला रोड पे चल रहे हैं, इस सीधी सड़क नबीउल्ला रोड जाकर डालीगंज के चौराहे पर खत्म होती है। इस तरफ बाई तरफ जो रास्ता गया वो लखनऊ की सबसे बड़ी मूंगफली मंडी यहीं पर कायम है और यहाँ काफी भीड़ रहती है। आगे से दाहिनी तरफ जो मोड़ गया है वो रिवर बैंक कॉलोनी के अंदर निकला है। और सामने जो आपको एक मल्टी स्टोरी इमारत दिखाई दे रही है, इस मकाम पर ब्रिटिश पीरियड के जमाने में इंफेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल हुआ करता था जो काफी बड़ी आराजी में था। अब इसको तोड़कर उसकी जगह पर यह नई इमारत बना दी गई है। यह भी गालिबन मेडिकल कॉलेज का ही एक हिस्सा है। इसके सामने दाहिनी तरफ सूरजगढ़ पार्क है, यहाँ भी उस सड़क की मरम्मत का काम चल रहा है। और ये चौराहा जहाँ हम लोग पहुंच रहे हैं सामने डालीगंज का चौराहा है। इस डालीगंज के चौराहे से सामने सीधे अगर हम चले जाते हैं तो वो फैजाबाद रोड कहलाती है जो फैजाबाद तक गई है। इसमें डालीगंज की सब्जी मंडी और हल्ला मंडी वगैरह वाक है और यही से हम लोग दाहिने मुड़कर वापस चलते। ये सब बातें उन लोगों के लिए हैं जो लखनऊ के बारे में ज्यादा जानते नहीं हैं, सड़कों के बारे में उनको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, छोटा सा तारुफ उनको इससे हासिल हो जाएगा ताकि अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी सड़क किस जगह ले जाए। ये दाहिनी तरफ जो इमारत आप देख रहे हैं ये इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स की इमारत है। और इसके ऐन सामने बाईं तरफ कारगिल शहीद पार्क, ये बाईं तरफ जो इमारत है बाउंड्री है कारगिल शहीद पार्क की है। और इसके दाहिनी तरफ रेजिडेंसी की इमारत की बाउंड्री है। रेजिडेंसी की इमारत काफी बड़े रकबे में फैली हुई है और यहाँ की अहमियत यही क्या कम है कि ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव टूरिस्ट स्पॉट, टूरिस्ट प्लेस। अब इस मोड़ से मुड़ते ही आपको बाईं तरफ जनरल कोठी दिख जाएगी जिसका जिक्र मैंने पहले किया। बिल्कुल सामने 76 मंजिल की इमारत फराबख्श की इमारत। इस इमारत में कभी सेंट्रल रिजर्व रिसर्च इंस्टीट्यूट हुआ करता था, जब शिफ्ट होकर कहीं और चला गया यहाँ पर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने अपने दफातर खोल लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं दाहिनी तरफ ये ग्लोब पार्क है और हम लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं उसी चौराहे पर जिसपे क्लास का अवध होटल मौजूद है। ये इमारत उसकी दिख रही है आपको सफेद रंग की। तो ये सीधी सड़क हजरतगंज चली गई है। ये पूरी सड़क किसी दौर में माल एवेन्यू माल रोड कहलाती थी जो बाद में महात्मा गांधी रोड के नाम से जानी जाने लगी। ये बाईं तरफ हम लोग जो मुड़ रहे हैं ये फिर हनुमान सेतु का ब्रिज उसके ऊपर चल रहे हैं और ये पूरी सड़क यहाँ से लेकर और यूनिवर्सिटी तक लखनऊ यूनिवर्सिटी रोड कहलाती है। ये सीधी सड़क जाकर आई टी कॉलेज के चौराहे पे यानी फैजाबाद रोड पे मिलती है। सड़क से बाईं तरफ अगर हम मुड़ते हैं तो लखनऊ का मशहूर दारुल उलूम नदवतुल उलमा कॉलेज है और उसी के सामने पतंग वाला मैदान जो अब झूलेलाल पार्क के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बड़ी बड़ी एग्जीबिशन, बड़ी बड़ी नुमाइश वगैरह मनाई जाती है।
अब यहाँ से हम लोग फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी रोड पे आ गए। बाईं तरफ लखनऊ यूनिवर्सिटी की बाउंड्री दिख रही है और ये मैदान जहाँ पर फुटबॉल और लॉन टेनिस खेलने वालों की भीड़ रहती है। और ये गेट नंबर 2 था, ये भी लखनऊ की यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल होने के लिए एक इम्पोर्टेंट गेट है, लेकिन अब एक नया गेट बन गया है जो गेट नंबर 1 कहलाएगा। ये सामने मौजूद है, इसकी तामीर का काम अभी चल रहा। और ये आ गया लखनऊ यूनिवर्सिटी मेट्रो स्टेशन। इस मेट्रो स्टेशन में दोनों तरफ कुछ बेकरीज भी हैं, कुछ रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं, कुछ कैफेज भी हैं जो यहाँ के तलबा के लिए और दूसरे स्टाफ के लिए वक्त ज़रूरत खाने पीने का सामान मुहैया कराती है। और यहाँ पर भी काफ़ी रौनक रहती है। इसी की सड़क अब चल रहे हैं हम लोग फैजाबाद रोड की तरफ। बाईं तरफ ये रास्ता जो कटा है वो बादशाहबाग की तरफ गया है और हम लोग निरालम नगर से होकर उस चौराहे पर पहुंच गए जहाँ से हमने अपना सफर शुरू किया था। जैसा कि आप देख सकते हैं होली का सीजन है, सामने आपको दुकानें दिखेंगी जहां अबीर गुलाल और पिचकारियां और रंग वगैरह फरोख्त किए जा रहे हैं और लोग होली की खरीदारी में मसरूफ हैं। और ये दाहिनी तरफ की इमारत निराला मार्केट कहलाता है। सामने ठीक जो चौराहा को दिख रहा है उसके पीछे आईटी कॉलेज की इमारत दिखाई दे रही है। ये बाउंड्री आईटी कॉलेज की है और यहां से हम लोग बाई तरफ मुड़कर फ्लाईओवर पे चलेंगे। इस फ्लाईओवर की शुरुआत में ही दाहिने हाथ को स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल मौजूद है। ये दाहिने हाथ को आपको स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल की इमारत दिखाई दे रही है। और इस ब्रिज के नीचे, इस फ्लाईओवर के नीचे बाईं तरफ निराला नगर का मोहल्ला है, उसी से बिल्कुल मिला हुआ छोटा चांदगंज और उसके बाद जो ब्रिज यहाँ पर उतरता है वहां पर बड़ा चांदगंज का, ये सब हिस्टोरिकल मोहल्ले हैं और ये पुराना लखनऊ भी है। हालांकि यहाँ पर तामीरात काफी हो गई, नई इमारतें बन गई, सड़कें बन गई, लेकिन है ये पुराना लखनऊ। धीरे धीरे उस मकाम की तरफ पहुंच रहे हैं जहां से अलीगंज शुरू होता है। अलीगंज का मोहल्ला जो हजरत अली के नाम से मंसूब है काफी बड़े इलाके में, बड़े एरिया में, बड़े रकबे में फैला हुआ है, बहुत बड़ा मोहल्ला है। और ये चौराहा भी काफी मशहूर है जिसे कपूरथला चौराहा के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ पर राजा कपूरथला की आराजी थी, जायदादें थी, बाग वगैरह थे और कपूरथला के सिलसिले में एक अलग तारीख लखनऊ की है जो अपने आप में काफी इम्पोर्टेंट है, काफी दिलचस्प है, जिसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था और काफी वीडियोस इस सिलसिले में मौजूद हैं, वो देखे जा सकते हैं।